दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि अति शिक्षक जिन्होंने काम किया है पिछले कई वर्षों में, उनका अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अभी अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से होगा, सारी जानकारी के साथ साथ दोस्तों एक समस्या भी है, उस समस्या का समाधान में हम करने वाले हैं कि 2018-19 का जो अति शिक्षक का प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसके लिए हम आपके क्या कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें स्टेप बाय स्टेप जानकारी, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको 5 लाख रुपए सब्सक्राइबर दिए हैं। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अति शिक्षक प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अतिथि शिक्षकों का प्रमाण पत्र डायरेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको एक पत्रक डाउनलोड करना है। उस पत्रक को डाउनलोड करके अपने जहां पर आपने पढ़ाया है वहां पर जाके उसके साइन करवाने हैं। इसके लिए आपको देखिए कहां जाना है, गेस्ट फैकल्टी में लॉगिन में जाएंगे। जैसे आप लॉगिन करने पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करने पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कोई जानकारी आएगी और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप डेस्कटॉप पर देख रहे हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर मेन्यू आएगा। अगर आप डेस्कटॉप नहीं देख रहे हैं तो आपका मोबाइल, अगर मोबाइल होगा तो मोबाइल में इस प्रकार से एक मेन्यू आ जाएगा। ये देखिए मोबाइल में ऐसे आपको डाउनलोड करना है। लास्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे बहुत आसान है, यहाँ पर देखिए फिर से बता देता हूँ, लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर होम, EKYC, एक्सपीरियंस क्लेम और रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं क्लेम के लिए, तो एक रजिस्टर क्लेम यानी सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर करना है, उसके बाद प्रिंट करना है एक्सपीरियंस क्लेम। तो रजिस्टर मतलब किस किस साल के लिए आपको करना है, यानी कि आपका सत्र जो है यह पूछा जाएगा रजिस्टर करने पर, और प्रिंट जब वो रजिस्टर कर दोगे आप उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन आएगा, उससे आपको वो पत्रक डाउनलोड हो जाएगा। अब पत्रक जब डाउनलोड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, रीजन ये है कि इस पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आधार EKYC हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। अभी जानबूझकर मैंने आपके सामने रखा हुआ है क्योंकि कई जगह पर समस्याएं आ रही हैं। इस समस्या का बहुत सिंपल सलूशन है, EKYC करने के लिए आपको ओके कर दीजिए, यहाँ पर EKYC में जाकर कंप्लीट करना है EKYC। यहाँ पर समग्र ID आपको डालना है, कन्फर्म दो बार करना है, और आपका इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों चीजें आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या डालना है, ये जो भी आपका यहाँ पर कैप्चा वैल्यू आती है सबके लिए अलग अलग आएगी, तो आपके लिए जो भी कैप्चा वैल्यू है इस कैप्चा वैल्यू को डालने के बाद यहाँ पर इनिशिएट आधार EKYC आपको करना है। जैसे ही आपका आधार कार्ड कंप्लीट EKYC कंप्लीट हो जाएगा, ये समस्या दोस्तों तो कई लोगों के साथ आ रही होगी, तो उनको ये जानकारी प्लीज शेयर कर दें कि हो सकता है आपका EKYC पहले से हो तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन जिनका नहीं है उनको समस्या आ रही है। यहाँ पर रजिस्टर क्लेम करना, प्रिंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है, 2018-19 वाले सत्र की प्रिंट नहीं निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा रही है। इसके लिए कहा तो ये भी जा रहा है कि ये लोग मान्य नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो लोग रनिंग कंडीशन में हैं वो भी भर सकते हैं क्योंकि अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो प्लीज इस वीडियो को आपको शेयर करते, पहली बात तो ये, दूसरा 2018-19 का जो ऑप्शन है इसको हम जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए जो भी हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी है अधिकारियों से बात करना, या फिर जो भी आपका ये शिक्षक प्रबंधन प्रणाली मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, और लोक शिक्षण संचालनालय से मेन बात करने वाले हैं जिससे आपका जो भी ये समस्या है सॉल्व हो जाए। और दोस्तों आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आप भी वीडियो शेयर करें, आप लोग कमेंट में लिखें कितने लोग ऐसे हैं जो 2018-19 में पढ़ा रहे हैं, उनको एलिजिबल करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए क्या स्टेप फॉलो करना है वो हम बाद में बताएंगे, अभी तो सिंपल आपको ये एक्सपीरियंस जारी करने का तरीका आपको बता दिया है। दोस्तों प्लीज बने हमारे साथ, तैयारी में दोस्तों फ्री स्टडी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, RRB NTPC वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी करा रहे हैं हम आपके लिए, और दोस्तों मैथ्स की क्लासेस चालू हो चुकी है 6:30 बजे, तो आपको बिल्कुल मैथ्स क्लास लाइव मिल जाएगी। CTET एग्जाम के लिए भी मटेरियल आपको फ्री उपलब्ध कराने वाले हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं जिनको समस्या यहाँ पर आ रही है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।